यंगस्टर्स की वजह से पूरा भारत ही एक हैपनिंग प्लेस बन गया है। और ये कितना हैपनिंग है ये हम पिछले 30 दिनों को ही देखें तो साफ साफ नजर आता है। और जब मैं 30 दिन की बात करता हूं ना, आप भी साथ साथ जरा अपने 30 दिन को जरा जोड़ते चलना, बीते हुए 30 दिन, आपकी यूनिवर्सिटी के 30 दिन भी याद कर लेना, और दोस्त में और भी लोगों के पराक्रम 30 दिन में हुए वो भी याद कर लेना। मैं आपको, क्योंकि मेरे नौजवान साथियों आपके सामने मैं आज आया हूं, तो मैं भी अपना रिपोर्ट कार्ड आपको दे रहा हूं। मैं आपको पिछले 30 दिन का एक रिकैप देना चाहता हूं, उससे आपको नए भारत की स्पीड और नए भारत का स्केल दोनों का पता चलेगा। साथियों, आप सबको याद होगा 23 अगस्त का वो दिन जब हार्ट बीट गले तक आ रही थी, भूल गए? हर कोई प्रार्थना कर रहा था कि भाई साहब ठीक रहे, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कर रहे थे ना? और फिर अचानक हर किसी का चेहरा खिल उठा। पूरी दुनिया ने भारत की आवाज सुनी, इंडिया इज ऑन द मून। तेईस अगस्त की वो तारीख हमारे देश में नेशनल स्पेस डे के रूप में अमर हो गई है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? इधर मून मिशन सफल हुआ, उधर भारत ने अपना सोलर मिशन लॉन्च कर दिया। अपना चंद्रयान अगर 3 लाख किलोमीटर गया तो ये 15 लाख किलोमीटर तक जाएगा। आप मुझे बताइए, भारत की रेंज का कोई मुकाबला है क्या? फ्रेंड्स, पिछले 30 दिनों में भारत की डिप्लोमेसी एक नई ऊंचाई पर पहुंची है। G20 से पहले दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स समिट हुई। भारत के प्रयास से ब्रिक्स कम्युनिटी में 6 नए देश शामिल हुए हैं। साउथ अफ्रीका के बाद मैं ग्रीस गया था। ये 40 साल में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। और जितने भी अच्छे काम है ना, वो करने के लिए आपने मुझे ही बिठाया है। G20 समिट से ठीक पहले मेरी इंडोनेशिया में भी अनेक वर्ल्ड लीडर से मीटिंग हुई। इसके बाद G20 में इसी भारत मंडप में दुनिया के लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए। आज के पोलराइज इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर में इतने सारे देशों को एक साथ एक मंच पर लाना छोटा काम नहीं है दोस्तों।
आप एक पिकनिक ऑर्गेनाइज करो ना, तो भी तय नहीं कर पाते हो कहां जाए। हमारे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर 100% सहमति तो इंटरनेशनल हेडलाइन बनी हुई है। इस दौरान भारत ने अनेक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स और फैसलों को लीड किया। G20 में कुछ फैसले ऐसे हुए जो 21वीं सदी की पूरी डायरेक्शन ही चेंज करने की क्षमता रखते हैं। भारत की पहल पर अफ्रीकन यूनियन G20 का स्थायी सदस्य के रूप में उसको स्थान मिला। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस का नेतृत्व भी भारत ने किया। G20 समिट में ही हम सभी ने मिलकर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनाने का भी फैसला लिया है। ये कॉरिडोर कई महाद्वीपों को आपस में जोड़ेगा। इससे आने वाली कई शताब्दियों तक व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलने वाला है। साथियों, G20 समिट समाप्त हुई तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की स्टेट विजिट दिल्ली में शुरू हुई। सऊदी अरब भारत में $100 बिलियन का निवेश करने जा रहा है। और मैं जो कथा सुना रहा हूं ना, ये 30 दिन की बता रहा हूं, फिर ऐसा नहीं आ रहे तो इतना सारा बीते 30 दिनों में ही भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में मेरी कुल 85 वर्ल्ड लीडर से मीटिंग हुई है। और ये करीब करीब आधी दुनिया है। आप सोच रहे होंगे कि इससे आपको क्या फायदा होगा, होता है ना, जब भारत के रिश्ते दूसरे देशों से अच्छे होते हैं, जब नए नए देश भारत के साथ जुड़ते हैं, तो भारत के लिए भी नई अपॉर्चुनिटीज बनती हैं, हमें नया साथी मिलता है, नया मार्केट मिलता है, और इन सब का फायदा मेरे देश की युवा पीढ़ी को होता है। साथियों, आप सब सोच रहे होंगे कि पिछले 30 दिन का रिपोर्ट कार्ड देते हुए मैं सिर्फ स्पेस साइंस और ग्लोबल रिलेशंस की बात कर रहा रहूंगा क्या? यही काम किया कि मैंने 30 दिन में? ऐसा नहीं है। पिछले 30 दिनों में SC ST OBC के लिए, गरीबों और मिडिल क्लास के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए भी कई कदम उठाए गए। 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती पर पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई। ये योजना हमारे शिल्पकारों, कुशल कारीगरों, पारंपरिक काम से जुड़े साथियों के लिए है। रोजगार मेला लगाकर बीते 30 दिन में 1 लाख से ज्यादा नौजवानों को केंद्र सरकार में गवर्नमेंट जॉब दी गई है। जब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, 6 लाख से ज्यादा युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इन्हीं 30 दिनों में
आपने देश के नए संसद भवन में पहले संसद सत्र को भी देखा है। देश के नए संसद भवन में पहला विधेयक पास हुआ जिसने पूरे देश को गर्व से भर दिया है। संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा विमेन लेड डेवलपमेंट के महत्व को सहर्ष स्वीकार किया। साथियों, बीते 30 दिनों में ही देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विस्तार के लिए एक और बड़ा निर्णय हुआ। हमारी सरकार ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को एम्पावर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योजना को स्वीकृति दी है। कुछ दिनों पहले द्वारका में अशोक भूमि इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को हमने राष्ट्र को समर्पित किया है। युवाओं को स्पोर्ट्स में अधिक अवसर मिले इसके लिए मैंने वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भी शिलान्यास किया। दो दिन पहले मैंने 9 वंदे भारत ट्रेन्स को हरी झंडी दिखाई। एक दिन में एक साथ इतनी आधुनिक ट्रेनें शुरू होना भी हमारी स्पीड और स्केल का प्रमाण है। पेट्रोकल केमिकल सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए एक और बड़ा कदम इन 3 दिनों में हमने उठाया है। मध्य प्रदेश में स्थित एक रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया गया है। मध्य प्रदेश में ही रिन्यूएबल एनर्जी आईटी पार्क, एक मेगा इंडस्ट्रियल पार्क और 6 नए औद्योगिक क्षेत्रों पर काम शुरू हुआ है। ये जितने भी काम मैंने गिनाए हैं इनका सीधा संबंध युवाओं की स्किल्स से है, युवाओं के लिए जॉब क्रिएशन से है। ये लिस्ट इतनी लंबी है कि पूरा समय इसी में बीत जाएगा। ये 30 दिन का मेरा हिसाब मैं दे रहा था आपको, अब आपने अपना हिसाब लगाया क्या? आप ज्यादा से ज्यादा कहेंगे 2 मूवी देखी। मेरे नौजवान साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश कितनी तेज गति से चल रहा है, कितने अलग अलग पहलुओं पर काम कर रहा है, वे मेरे देश के नौजवानों को पता होना चाहिए।